अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। तो अभी हम लोग आज डेल के लैपटॉप में डल डिस्प्ले की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। देखते हैं, डल डिस्प्ले अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है। दूसरा भी आप देख सकते हैं कि आपके कीबोर्ड में नमलॉक की का जो स्टेटस है वो बराबर है, यानी कि आपके सिस्टम में डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी डर है जो कि दिखाई नहीं देगा कैमरे से। इसको इसको देखने के लिए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके लिए स्क्रीन पे हो सकता है, केबल में हो सकता है, या सफारी का हो सकता है। उसे हैंग आउट करने के लिए हमें लैपटॉप को खोलना होगा। तो आइए खोलते हैं। तो पहले हम लोग सप्लाई चेक करेंगे ट्रेस करके। तो आपने देखा यहाँ पे 19 वोल्टेज आ रहा है आपका। और यहाँ पे 19 वोल्टेज जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा। इसी फ्यूज के द्वारा सप्लाई आपके इस कनेक्टर पे जाती है। तो अभी देखने से लग रहा है कि इसका फ्यूज खराब हो सकता है। अगर फ्यूज खराब है तो थोड़ा सा हम ट्राई करके देख सकते हैं। कौन सा फ्यूज है सर वो? ये आपका जो सप्लाई जाती है मेन वोल्टेज आपके केबल के द्वारा स्क्रीन को मिलती है 19 वोल्टेज, उस सप्लाई पे लगा हुआ फ्यूज ओपन लग रहा है या खराब लग रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है ना, इसमें आपका फ्यूज खराब है, ये दिख रहा है ना, फ्यूज खराब है। अब यहाँ पे आप जम्पर भी लगा सकते हैं या दूसरा फ्यूज बदल देंगे तो आपका स्क्रीन के ऊपर लाइट आ जाएगा और आप आराम से अपना डिस्प्ले देख पाएंगे। तो बंद करते हैं इसे और देख उसे कर लेते हैं।
क्यों जोड़ दिया फ्यूज़ उसके ऊपर जम्पर लगा दिया। जम्पर लगाने के बाद डिस्प्ले स्क्रीन, तो आपने देखा ये फ्यूज के खराब होने से भी आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि मेन सप्लाई होती है जिससे कि आपका करंट 19 वोल्टेज इस ट्रैक पे जाता है और उससे आपके एलईडी के ऊपर बैक में पैनल में आईसी लगी होती है, वो करंट को और भी बूस्ट करके बढ़ा देते हैं जिससे हमें स्क्रीन के ऊपर सारी एलईडीज के जलने से डिस्प्ले दिखाई देता है। और इस सप्लाई के नहीं रहने से वो सारी एलईडीज को सप्लाई नहीं मिल रही थी जिससे हमारे स्क्रीन के ऊपर राष्ट्र नहीं आ रहा था, डिस्प्ले नहीं आ रहा था।